हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट फेज टू, जिसे आप टीआरई 2.0 के नाम से भी जानते हो। तो कुल जमा बात यह है कि अब 50,226 जो 36 पद हैं, 50,236 पोस्ट जो है जनरल यानी कि यूआर पोस्ट के लिए खुल चुका है। यानी कि अदर स्टेट के लोग भी इसे अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से, और बिहार के अन्य वर्ग से भी जो आते हैं एससी एसटी ओबीसी, उन सभी के लिए जो है ये पोस्ट जो है ओपन हो चुका है। अब आप बोलोगे कि भैया ये सुना सुना सा नहीं लग रहा, डेजा वो की साउंड नहीं आ रही है, तो पहले भी आया हुआ था ना 50,000 की वैकेंसी। देखिए उसमें ना आपको पता होना चाहिए कि दिव्यांग जनों के लिए ये पोस्ट आया हुआ था। आई मीन जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है, हैंडीकैप पीपल है। देखिए बोल चाल की भाषा में हैंडीकैप बोल रहा हूँ, लेकिन हैंडीकैप बोलना नहीं चाहिए, आपको बोलना है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल या फिर डिफरेंट एबल पीपल, या फिर हिंदी में दिव्यांग उसे बोला जाता है। तो कुल जमा बात है कि ये सभी के लिए ओपन कर दिया गया है, और ऐसे में पीआरटी की वैकेंसी जो 10,000 है ये आ चुकी है। अब इसे कोई भी अदर स्टेट से भर सकता है। आई रिपीट, ये 10,000 पोस्ट नहीं है, 9,900 कुछ पोस्ट है। इसलिए मैंने थंबनेल पे ये अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, तभी तो आप देखने के लिए आओगे, इसलिए मैंने 10,000 पोस्ट लिख दिया। ईमानदारी से मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। अब आप सवाल पूछोगे क्या आगे जो क्लासेस हैं यानी कि जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अलावा मिडिल स्कूल होता है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, वहां भी पोस्ट पढ़े? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हो, यहाँ भी पोस्ट बढ़ चुके हैं। देखिए मैं आपको सीधे पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूं, वहां से आप जो ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो यहां पे क्या लिखा है, शिक्षा विभाग बिहार से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 26/2023 के रिक्त पदों की कुल संख्या 50,263 जो है को विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित कर दिनांक 11/10/2023 को सूचना प्रकाशित की गई है। उक्त पदों में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा तभी आप समझ पाओगे, अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियां केवल दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध है को विलोपित किया जाता है। ये वर्ड से आप थोड़ा सा जो है कंफ्यूज कर जाओगे, विलोपित का मतलब क्या होता है। विलोपित मतलब होता है डिस्पेयर, यानी कि उसे हटा देना, खत्म कर देना, खत्म कर दिया जाता है। साथ ही शिक्षा विभाग के अधियाचना 2024 के आयोग में भी ये बातें कही गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है इन सीटों के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेगी। यहां से देखो 13/11/2023 की ये जो खबर है, यानी कि अब जो है जनरल वाले भी जो है पीआरटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और आगे जो पोस्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, कितने कितने पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो गए हो अब यहाँ पे, वो भी आपको देखना जरूरी है। ये रहा पीडीएफ, ओपन हो जाओ भाई। ये देखो अब यहां से देख पाओगे आप, ये देखो ये जो पोस्ट है ना, यहां से देख पाओगे आप, यहां से देखिए 1-5 के लिए जो पोस्ट आई हुई है, सामान्य जाति के लिए जो है वो 1,088 पद है। ये सभी लोग जो है इसे अप्लाई कर पाएंगे। यहां पे देखो 9,431 पोस्ट है, तो यहां पे जो है सामान्य वर्ग के लिए जो 1,088 पोस्ट है ये जो है दिव्यांग जनों के लिए पहले उपलब्ध था, अब इसे हटा दिया गया है, कोई भी इसे जो है अब भर सकता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए यहां से आप देख पाओगे क्लास 9-10 के लिए भी जो है पोस्ट को बढ़ाया गया है। यहां से आप देख पाओगे 1-7 तक जो है अनारक्षित श्रेणी की जो है रिक्तियां केवल दिव्यांग जनों के लिए है, अब इसे हटा दिया गया है। ये पुराना पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से आप देख पाओगे गणित के लिए जो है 202 पोस्ट अब फिर से जुड़ जाएंगे, 202 गणित के लिए, हिंदी के लिए 143, 9-10 की बात कर रहा हूं मैं। बंगला के लिए 20 सीट जो है बढ़ जाएगी, सामाजिक विज्ञान के लिए 28 सीट बढ़ जाएगी। अब महिलाओं के लिए अगर आप यहां पे देखने जाओगे तो महिलाओं के लिए जो है कोई भी सीट रिजर्व नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अरबी वगैरह के लिए रिजर्व रखी गई थी। इसी तरह से 11-12 में जो है जंतु विज्ञान के लिए 85 सीटें बढ़ जाएगी, 437 सीटें वनस्पति विज्ञान के लिए बढ़ जाएगी, रसायन के लिए 849 पोस्ट जो है बढ़ जाएगी, 142 जो है 1-5 के लिए गणित के लिए, और 532 जो है भौतिकी के लिए बढ़ जाएगी। तो कुल जमा बात यह है कि अब जो है 50,263 पोस्ट जो है बढ़ चुकी है, सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांग जनों का जो कोटा था उसे हटा दिया गया है। तो बहुत बड़ी यही खबर थी, और करंट अफेयर्स वगैरह की जो क्लासेस है आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, मैंने हर महीने की करंट अफेयर्स आपके लिए बना दी है। वीडियो को यहां तक देख लिया है तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने पूरी देखी है। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।